participating. Very, very good morning. मेरी वजह से स्पीच बनी हुई है लेकिन आज मैं अपनी स्पीच नहीं पढ़ कर के मैं अपने दिन के बाद चाहिए देखी है दिन की बात करना चाहूँगा जब इसका प्रपोजल मेरे पास आया तो मैंने एक ही बात सोची कि अगर मैं आज दुबई में रहता या अमेरिका में रहता और मैं भारत में आकर के अपना उद्योग लगाना चाहता तो सबसे पहले क्या देखता और क्या क्या दिक्कतें हमको हमारे सामने आने वाली होती और मैं क्यों उत्तर प्रदेश का चयन करता और शर्त है कि हम गुजरात या कर्नाटक या और स्थानों पर न जाए तो आते ही आते सबसे पहले तो हमने समझा कि हमारा रिसेप्शन कैसा होता है। मैं तो खाली एक कहानी बता सकता हूँ कि जब एक साहब ने खबर की कि हम एक उद्योग लगाना चाहते हैं गुजरात में तो उनके बाद में मोदी जी का फोन आ गया बोले कितना रुपया लगने वाला है बोले 400 करोड़ लगाने वाला हूँ तो उनका आप आ जाइए मेरे पास में टाइम है। वो गए वहाँ पर और जा कर के वो बैठे थे और जो उनके सेक्रेटरीज थे सब वहाँ पर थे तो उन्होंने कहा अब आपको दिक्कतें क्या क्या होंगी बोले जमीन बोले मेरे पास में इतना लैंड बैंक है इसमें से तुमको चाहिए तो तुम ले लो नहीं तो जो तुमको जमीन पसंद आए वो तुम उस आदमी से नेगोशिएट कर लो 7 दिन के अंदर वो तुम्हारे नाम पर हो जाएगी तुमको इसमें दिक्कत नहीं होने पाएगी। इस प्रकार का उसको वहाँ पर रिसेप्शन मिला 15 दिन हो गए उसने नहीं लगाया 20 रोज के बाद में तब मोदी जी का उसके बाद में दोबारा फ़ोन गया कि साहब आप आए थे 15 मिनट पहले अपने आप को दिए थे उसके बाद में भी आपने अभी तक उद्योग नहीं लगाया मतलब वो परसों उनकी तरफ से हो रहा था न कि उद्योग वाला कुछ कर रहा था तो जब उसने ये देखा तो उसने वहाँ पर जा करके अपना उद्योग लगाया और सक्सेसफुली चला रहा है। आज के दिन मैंने सोचा था उत्तर प्रदेश सरकार को कहने के लिए कि हमारे पास में 18 कमिश्नर्स रहते हैं अगर आज 18 कमिश्नर्स के एक यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट इनाम दे कि जो कमिश्नर अपने जैसे किसी भी जिले में सबसे ज़्यादा पूंजी लाएगा कैपिटल लाएगा और नौकरी दिलवाएगा उसको हमें कब देंगे या उसका सम्मान करेगी मुझे लगता है खाली इतना करने से ही मानसिक स्थिति हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं उनकी बदलना शुरू हो जाएगी क्योंकि पहले साल नहीं तो दूसरे साल सब लोग सोचेंगे कि साहब ये इनाम हमको ही मिलना चाहिए और अगर आपको इनाम मिलना है तो उद्योगों की दिक्कतों को अगर आप दूर नहीं करेंगे तो आप ये इनाम नहीं पा सकते। इस प्रकार के लिए इसको अगर किया जाए तो देट कैन गो ए लॉन्ग वे। जो बाहर तक कोई आदमी आता है तो सबसे पहले वो जमीन होता है। हमने भी अभी एक उद्योग लगाने की कोशिश की थी सोलर एनर्जी का तो सबसे पहले दिक्कत मुझे क्या आई वहाँ पे जमीन ढूंढने के लिए कई जगह हमने जमीन देखी हमारे यहाँ कानून बना हुआ है कि 12.5 एकड़ से अधिक जमीन आप नहीं ले सकते 12.5 एकड़ के अंदर कोई आजकल इंडस्ट्री नहीं लगती तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन दे दीजिए। अब एप्लीकेशन आपने दे दी जिलाधिकारी के यहाँ अब वो घूमती रहेगी जब वो लौट करके 1.5-2.5 महीने में आएगी उसके बाद में ही आप उसको ले सकते हैं। इस बीच के अंदर जिससे आपने जमीन तय की थी उसका मन बदल गया तो उसने नहीं दी तो उसको समझाने वाले भी तो बहुत हैं। अच्छा जैसे हम घूम रहे हैं वहाँ पर वैसे लेने वाले भी बहुत हैं तो हम लोग तो चाहते हैं कि अगर आप गए वहाँ पर 7 दिन के अंदर इस कानून की जरूरत क्या रह गई आवाज पर जब सबके पास 12.5 एकड़ से अधिक आज जमीन किसी के पास में है ही नहीं इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर दिया जाए हमको परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा जमीन ले ली मान लीजिए किसी तरह से जमीन मेरी हो गई अब क्या है अब फिर SGM से आपके दरखास्त लगी कि साहब उसका लैंड यूज चेंज कर दीजिए। बेसिकली मैंने उसको लिया है इंडस्ट्री के लिए अब लैंड वो है एग्रीकल्चर तो क्या है कि अब आप लैंड यूज चेंज कराने के लिए फिर वहाँ जा रहे हैं तो हर काम के लिए अगर हमको जाना है और ये भी नहीं कि आपको केवल इन्फॉर्म करना है ये तो लैंड यूज चेंज करने में पैसा नहीं लगता। मैं तो कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो पैसा ले लेकिन इट शुड बी ऑनलाइन अगर हमने उत्तर पर जमा करा दिया तो इट शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि इसका लैंड यूज चेंज हो गया है। अगर इस प्रकार की ईद होगी तो हमने पैसा जमा करा दिया हमारा चेंज हो गया और हम आपका इंडस्ट्री लगा लेंगे नहीं अब परमिशन के लिए जब आपने फिर मांगा तो फिर वही पूरा चेंज के अंदर क्या है कि लेखपाल लेखपाल के पास में
नायब, नायब के बाद में तहसीलदार, तहसीलदार के बाद में एसडीएम, ये एक हायरार्की बनी हुई है रेवेन्यू के लिए। इस हायरार्की को पूरे को पास करना पड़ता है। वो बात दूसरी है कि पहली बात मैं समझता हूँ कि हायरार्की चार की जगह तीन होनी चाहिए, तीन की जगह दो होनी चाहिए, लेकिन सरकार की सोच है, जो उनकी दिक्कतें हैं वो तो वही समझेंगे। मैं तो कस्टमर हूँ इसलिए हमको तो जितना कम हो जाए उतना ही अच्छा लगेगा, लेकिन उनकी अपनी दिक्कतें हैं तो उसको देखते हुए जितना वो कम कर सके, इस पर ध्यान दे सके तो अच्छा लगेगा, वो काम हो सकता है। जमीन में बहुत सारे गड्ढे थे, अब जमीन के गड्ढों को भरवाना, तो क्या है माइनिंग एक्ट लागू हुआ। अब माइनिंग एक्ट क्या जरूरत है, और वो भी इतना ज्यादा उसके ऊपर लोन लगा दिया है, 14 रुपया पर स्क्वायर क्यूबिक मीटर। 14 रुपया क्यूबिक मीटर को बचाने के लिए सारा काम रात को होता है, गलत होता है, काम करता है, मारपीट होती है। अगर सरकार इसके बदले में 1 रुपया लगा देती और इसकी एक बार कंप्लायंस शुरू हो जाती, 1 को 2 करना आसान है, 2 को 4 करना आसान है, क्योंकि कंप्लायंस ऑलरेडी हो रही है, इसलिए कंप्लायंस होती रहेगी। अब आपने 14 कर दिया एक साल के पहले दिन में 14 करने से क्या है, अब जितने भी यूज करने वाले थे माफिया एसडीएम और डीएम, इनके वो गोलियां चल रही हैं, क्योंकि इसके अंदर सब माफिया लगा हुआ है। आप माफिया को मौका क्यों देते हैं, आप कम कीजिए, इतना ही लगाइए जिससे कि आपकी दिक्कतें नहीं हो। अब हमको दिक्कत क्या है कि 6 महीना हो गया जमीन न भरवा नहीं पाए, ये दिक्कत भी है, क्योंकि उसको भरने रात को बचा करके भरना, इस तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देता है इनके लिए, हालांकि हो सकता है कि चैम्बर्स का ही काम नहीं है ज्यादा कि हम कभी गवर्नमेंट के बारे में कुछ कहते हैं, लेकिन आज का जो फोरम था हमने समझा की कुछ बातचीत कर रहे थे। ये तो मेरे को चूंकि आदत है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं समझता हूँ, मैं सब लाइसेंस ले आया, मेरा सब काम हो रहा है, क्योंकि हम स्मॉल स्केल में नहीं है, हम मीडियम स्केल में है, इसलिए मीडियम स्केल वालों को थोड़ी सुविधा रहती है। मेरे पास में मैनेजर थे या जो कॉर्पोरेट वाले लोग हैं वो जाकर के दे रहे, उनको सर्वे आकर के रिपोर्ट करना पड़ता है कि व्हाई यू हैव नॉट बीन एबल टू गेट द लाइसेंस फॉर देयर। सो किसी भी तरह से दे गो एंड ब्रिंग द परमिशन फॉर अस, तो बट आई वांट, दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर एवरीबॉडी। और मैं चाहूंगा कि एक ऐसा होना चाहिए कि विदेश से कोई भी आदमी आए उसको ये ईज होना चाहिए कि साहब मेरे को जमीन मिल जाएगी, मेरे नाम से पड़ जाएगा। और जमीन पहली चीज है जिसके मिलने के बाद ही बैंक वाला लोन देता है, बिजली वाला बिजली देता है, पानी वाला पानी देता है, सब चीज उसके बाद में ही शुरू होती है। तो आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने आप को चेंज करके इसके लैंड लॉ को इतना ईजी कर दें। अच्छा, उसमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, 40 एकड़ का मेरा प्लॉट, उसके अंदर आधा एकड़ जमीन एक एससी की थी, अब क्या है उसका, एससी को परमिशन लेनी पड़ती है जमीन से अगर उसको अपनी जमीन डिस्पोज करनी है। अगर उसके पास 5 एकड़ जमीन है तब तो बेच सकता है, अन्यथा उसको डीएम से और कमिश्नर से परमिशन लेकर के तब वो दे सकता है। वो भी दिखाना पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ, मेरे को मेरी पत्नी का इलाज कराना है, या मैं यहाँ घर छोड़ के जा रहा हूँ, एवरीथिंग एंड देन। तो फिर पीछे हम रहते हैं कि साहब उसको परमिशन दे दी जाए, जब हमारा आदमी पीछे रहता है परमिशन दे दिया तो परमिशन तो मिल ही जाती है, लेकिन इस सब करने के बाद, जबकि मैं चाहूँगा कि ये सब चीज़ों को बड़ा ईज आउट कर दिया जाए। अगर ये ईजी हो जाए, जमीन आपको मिल जाए, जमीन आपके नाम में हो गई, 50 एकड़ जमीन आपको चाहिए थी, उद्योग को जितनी भी जरूरत है, क्योंकि आप प्राइवेटली नेगोशिएट करके ही जमीन ले पाता है, लैंड बैंक तो जहाँ जहाँ है गवर्नमेंट तब तक काम कर रही है, बहुत जगह जगह इन्होंने अच्छे काम किए हैं, SIPC दे रहा है जमीन जिनको छोटी छोटी जमीन वगैरह नहीं होता है, लेकिन जब लार्ज स्केल लेनी पड़ती है तो डायरेक्टली लेनी पड़ती है, अब वो भूमिधरी हो जाती है, जैसा आपने बताया, इसलिए बहुत जरूरी है कि भूमिधरी लैंड लेना होता है, तब उसी में चलते हैं। अब 8 आदमियों के हमने जमीन खरीदी, अब आज जिस तरह में बैंक में जाओ या कहीं पर भी जाओ,
आठों आदमियों का पूरा जितनी परचेज डीड है सब के सब हमको बैंक को देनी पड़ती है, जबकि हम लोग कहते हैं कि हम उसको कंसोलिडेट करके एक बना दीजिए, एक बना देंगे और आपने हमको एक की परमिशन दे दी, वो हम जाकर बैंक को दिखा दें या कहीं पर भी दे दें, दैट शुड बी वर्केबल। मेरा एक कॉलेज है फैजाबाद में, 3 साल पहले लॉ बदल गया, पहले परमिशन हमको मिलती थी स्टेट गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट जब हमको परमिशन दे देती थी कोई भी सब्जेक्ट खोलने के लिए तो वो चला जाता था यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटी हमको परमिशन दे देती थी और हम लोग का काम हो जाता था। अब उन्होंने बदल दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया कमिश्नर के ऊपर कि कमिश्नर ऑफ दैट डिवीजन विल बी ऑथराइज्ड टू गिव एंड यू डोंट हैव टू कम टू लखनऊ। कमिश्नर साहब का मैंने अप्लीकेशन दी, उन्होंने बड़े आराम से धीरे धीरे लिख दिया उसको SGM टू प्लीज रिपोर्ट, SGM ने लिख दिया तहसीलदार को, तहसीलदार ने लिख दिया उसको लेखपाल को। आज 2 साल हो गया वो मेरी एप्लीकेशन लेखपाल के पास पड़ी हुई है, 20 साल से कॉलेज चल रहा है, उसको केवल ये लिख के देना है यहाँ कॉलेज की जमीन है और कॉलेज के पास जमीन उसी के नाम से है, इस बीच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 2 साल से उसे लिख के नहीं दिया। तो मैंने भी कह दिया कि आपके बाद भी भेजेंगे नहीं क्या, न मैं आदमी भेजूंगा और न वो लिख करके देगा, स्थिति ये है। मैं चाहूंगा आपने क्यों मान लिया लेखपाल से निकल को पासो करके पूरा क्यों नहीं करा रहे हैं? कह रहा हूं मैंने तय कर दिया नहीं भेजूंगा आदमी, क्यों तय कर दिया आपने? मेरा मन सर इसका रीजन मैं बता सकता हूँ, एक आदमी देखिए मैं यहाँ पे एसएमई से बंदा हूँ, प्लीज गलती से मैंने अपना नाम भेज दिया था ऑक्यूपायर में, लॉ के अंदर है तो वहाँ से कोई भी जिम्मेवारी होती है वो ऑक्यूपायर की होती है, तो मैंने मेरा नाम भेज दिया ऑक्यूपायर के अंदर, ऑक्यूपायर में मैंने नाम भेज दिया तो कोर्ट में मुझे बुलाया गया, कोर्ट ने पूछा था आपने गन्ना परचेज करने का लाइसेंस को नहीं लिया, मैंने कहा था टाइम से हमने अप्लाई कर दिया था, टाइम से उसमें जितना रुपया था वो सब जमा कर दिया, उसके बाद में चिट्ठियाँ लिख दी कि हमको जल्दी दे दिया जाए, अब फैक्ट्री स्टार्ट हो रही थी, मेरे पास 2 ऑप्शन था, मैं फैक्ट्री चलाऊँ और या वेट करूँ वहाँ पर जब तक हो रही है, तो साहब मैं क्या करता हूँ, What can the poor FICCI do? तो जो मुझे आपके इस बात का एक जवाब है, आप तो कमिश्नर और डीएम और एडीएम को छोड़िए, आप एक बार एसडीएम से कह दिए होते साहब आपका लेखपाल ये कर रहा है, कितना भी खराब एसडीएम होता आपका वो करा के रिपोर्ट देता, परसों तो देखो करना पड़ता विदाउट कितना कॉस्ट नहीं ऐसा नहीं है कि एसडीएम से कह दीजिए हो जाए, हमने को एक स्कूल खोलना था उसी मान्यता लेनी थी, बस्ती जिले के रुधोली तहसील का मामला है, उसने कहा कि भाई आपका है, आपने सोसाइटी को किसको किया है, वाह जब गए आपका तो स्टैंप ड्यूटी कम है, किराएदारी में स्टैंप ड्यूटी कम है, उसको देखा गया तो स्टैंप ड्यूटी नहीं कम थी, तो दीज आर द सिंपल थिंग्स। आप कितना भी दौड़िए, मैं तो वहां का रहने वाला हूँ और आईडी रोड के कपास आउट हूँ, मेरा 2-3 बार जाना टाटा की नहीं सर निकली आ करके आरटीओ क्या सीधे खड़ी हो गई और उसे कहा कि साहब इसका लाइसेंस दे दीजिए, उसने कहा कि इसका लाइसेंस नहीं मिल सकता, उसमें भी उससे डिफेक्ट ढूंढ लिया, तब उसका जवाब तो कोई दे नहीं सकता, आपका जो शब्द है परसू वही एक काम कर सकता है। मेरा नाम है लक्ष्मी वो कम से कम किए जाए, कागजों के ऊपर सिग्नेचर होना ही नहीं चाहिए परमिशन के लिए, हमको
जितना रुपया जमा कराना है जो भी हो वो एविडेंस हमारे पास तो होनी चाहिए। बाकी अगर हमारे पास एविडेंस है दैट शुड बी टेकन केयर कि हाँ ये काम हो गया। अगर वही सब एविडेंस लेकर के हम किसी के पास जमा करते हैं और फिर कहते हैं तुम उसकी परमिशन दो तो दैट टेक्स टाइम बिकॉज वो समझता है कि कहीं कोई गलती हो गई तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या बैठ जाएगा क्या कमीशन हो जाएगा या इस तरह की जो घबराहट होती है ऑफिसर में वो घबराहट आगे बढ़ जाती है। इसलिए बहुत जहाँ तक हो सके दस्तखत करने का फरमान कम से कम होना चाहिए तभी हम उसको आगे बढ़ा पाए। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अगर हमने वाली केंद्र राज्य सरकार को कोई चीज सप्लाई की उसका पैसा मिलता ही नहीं सालों साल तक आपको पैसा नहीं मिलता। कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए जिससे कि अगर किसी ने राज्य सरकार को दिया अगर मान ली ऐसा व्यक्ति अगर उसको पैसा नहीं मिला तो वो उसका काम धीरे 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 वो बंद हो जाता है। मैंने सुना है ट्रांसफार्मर वाले जैसे हैं अब ट्रांसफार्मर वालों को उन्होंने पैसे नहीं दिए स्विच बोर्ड वाले हैं उनको पैसे नहीं दिए तो एक साल जो उन्होंने चला लिया डेढ़ साल चला लिया और जितना नुकसान होता है उसका बढ़ा करके पैसा भी लगा लिया ब्याज भी ले लिया फिर भी एक दिन आता है जबकि उसके प्लांट बंद हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा रहेगा कि सरकार सस्ता खरीदे लेकिन टाइम से पेमेंट कर दे। मैं समझता हूँ कि दोनों जने प्रसन्न रहेंगे चाहे वो सरकार हो क्योंकि उसको सस्ता माल मिल गया और जो देने वाला है उसका व्यापार चलता रहेगा। मैं समझता हूँ दोनों ईद ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट समझती है कि उसके पास पैसे की कमी है तो दूसरा तरीका मेरा ये एक सजेशन था मेरा कि वो एक प्रॉमिसरी नोट हम लोगों को देते कि आई प्रॉमिस टू पे इतना रुपया वो ट्रेडेबल हो जाए। अगर हमारा कोई उधार अगर हमें कोई टैक्स देना है उस टैक्स के अंदर वो हम रुपया दे सके वो दे दें तो क्या होगा कि हम लोग को बड़ी सुविधा रहेगी हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। हमको ये मालूम कि हमारा पैसा मिल गया तो कल से हमको वहाँ ऑफिस में दौड़ना नहीं है कि था हमको हमारा पैसा चाहिए। वो जो प्रॉमिसरी नोट है उस प्रॉमिसरी नोट के द्वारा हम अपना किसी भी दूसरे टैक्स का कहीं पर भुगतान कर देंगे तो उसकी सुविधा हमको हो जाएगी। इस प्रकार का जो सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने सबसे पहले बताई थी कि यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट है और या मंत्री जी हैं कोई भी बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं है। उनको ये समझ में आता है ये आ रहा है तो कोई काम से आ रहा है इसका काम है तो उसका क्या किया जाए उसमें से इसको कितना लाभ सारा असेप्टेंस होता तो वो बदले में उनकी मानसिक स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है और ये काम मैं होता हूँ IIM बखूबी कर सकता है। अगर ये जैसे IAS हैं और PCS हैं इन ऑफिसर्स की क्लास है और इनको बताए अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो जरूरी है कि आप इंडस्ट्री से बोल पोर्टल बना करके बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सर आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं जानना चाहेंगे क्योंकि जैसे कि हमको जब किसी के पास कोई काम कराना होता है तो हमको बड़ा कंपिटिटिव होकर जाना पड़ता है उसको परसुएट करना पड़ता है उसके विचार बात है उसको भी बहुत जल्दी करना पड़ता है। तो अगर वही भावना अगर हमारे नियम में आ जाए तो हमारा कोई काम रुकेगा नहीं क्योंकि वो कहीं का हमको हमारे इंडस्ट्री लगानी है। इसलिए दे विल और एवरीबॉडी विल बिकम इंडस्ट्री फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर इंडस्ट्री फ्रेंडली का हमारे उत्तर प्रदेश में बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की बहुत सारी स्टेट्स जो है वो हमसे पीछे हो जाएंगी केवल खाली एक चेंज से जिसके अंदर की हमको मालूम है कि एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इंडस्ट्री फ्रेंडली और मेरा काम कहीं रुकेगा नहीं और जब मैं जाऊंगा तो वहां पे जरूर चाय पी करके आऊंगा। माई बाप नहीं है हमारा क्या आपका गुस्सा बोल रहा है हम अपने गुस्से में काबू किए हुए हैं वो काबू नहीं कर पाए भाई साहब बहुत बड़ा है।
स्टेट बहुत बड़ा है मेरा तो यही एक सजेशन है कि अगर एटमॉस्फेयर यहाँ पे इंडस्ट्री फ्रेंडली हो गया तो अपने आप यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने आप ही सब ठीक होता चला जाएगा। अच्छा, और यहाँ तक उसके साथ ही आठ पिलर हैं इंडस्ट्री लगाने के, हर एक के ऊपर अगर आपको चाहिए तो आप इंडस्ट्री वालों से अलग अलग मीटिंग करें और छोटी मीटिंग करें, बड़ी मीटिंग के अंदर कोई आदमी अपने विचार पर्सनल विचार जल्दी व्यक्त करना नहीं चाहता, छोटी मीटिंग होगी उसके अंदर सजेशन आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे और इम्प्लीमेंटेबल मिल जाएंगे। अच्छा, उसके अंदर अगर आपकी कोई दिक्कत है और आप अपनी दिक्कत हमको बताते हैं तो उसको भी हम लोग ध्यान में रख करके फिर अपने सजेशन बदल करके आपके सामने रखेंगे कि साहब इसमें दिक्कत है तो आप इसके बदले में इस प्रकार से कर लीजिए कि जिससे कि ये आपको भी एक्सेप्टेबल हो, हमको भी एक्सेप्टेबल हो, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि अगर इस प्रकार का कुछ काम हो सके जो जो मैंने बताया है तो उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री इजीली काम करेगी और इजीली आगे बढ़ सकती है। और हम वैसे फिक्की की तरफ से मैं बता सकता हूँ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सर मोदी जी के दो थ्रस्ट इंडिया है बहुत बड़े, एक है डिफेंस और दूसरा है रेलवे। तो हम लोग की इच्छा जरूर है कि डिफेंस और रेलवे की कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में आ जाए तो यहाँ पर बेकारी कम हो जाएगी, लोगों को नौकरी भी बहुत मिलेगी और रेवन्यू भी गवर्नमेंट ऑफिस का बहुत बढ़ जाएगा। तो इन दो चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। धन्यवाद।